So I if I remember last lecture we were doing this क्या करते थे को नॉर्मल पॉइंट्स राइट मैं एक्चुअली नोट्स देख ही लेता ना पीडीएफ वाले सर एक क्वेश्चन का पार्ट बच गया था लास्ट क्वेश्चन याद आ गया क्वेश्चन 4 का एक पार्ट बच गया था एंड इट वाज समथिंग लाइक दिस कि इफ टेंजेंट सॉरी नॉर्मल सेट t1 एंड t2 मीट ईच अदर ऑन पैराबोला एट t3 तो ऐसा कुछ था डायग्राम बना दें थोड़ा सा टेंजेंट सेट t1 एंड t2 मीट ईच अदर ऑन पैराबोला एट t3 देन कुछ कुछ प्रूव करने के लिए बोला था तो आई थिंक दो पार्ट तो अपने प्रूव हो गए थे ऑलराइट ये CT3 हो गया तो दो पार्ट सर्कम सेंटर वाला बाकी था हां तो एक तो t1 t2 2 अपन को याद था और एक था t1 प्लस t2 प्लस t3 0 ये अपना प्रूव हो गया था बट उसके बाद एक और पार्ट बोला था कि व्हाट इज द सर्कम सेंटर का लोकस ABC के सर्कम सेंटर का लोकस क्या तो दिस वुड बिकम अ वेरी 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ यू डोंट एक्चुअली डू लाइक दिस कंस्ट्रक्शन और या फिर हाँ कंस्ट्रक्शन आई शुड से देखो मैंने क्या किया जानबूझ के मैंने डायग्राम यहाँ से स्टार्ट करा ये जो टेंजेंट होती है ना ऐसे तो मैंने जानबूझ के दोनों टेंजेंट्स ऐसे बना दी ठीक है ना मतलब ये नॉर्मल है बट इनकी टेंजेंट्स लेट द मीट एट सम पॉइंट पी तो मुझे पी का कोऑर्डिनेट पता है क्या पी का कोऑर्डिनेट पता पड़ जाएगा क्या हाँ इट इज लाइक इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t1 एंड t2 तो पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा at1 t2 at1 plus t2 ओए 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 ये तो बहुत अच्छी बात है इसको क्या लिख सकता हूँ at1 t2 at1 plus t2 अबे t1 t2 तो 2a है और t1 plus t2 क्या है माइनस t3 तो अपन को पी के बारे में आइडिया लग गया अब कोई बताना चाहेगा अब कोई बताना चाहेगा दिख रहा है क्या एपीबीसी एनी कमेंट सर डायरेक्टर सर्कल फॉर्म होगा क्या ना डायरेक्टर सर्कल कहां से आ गया नो एपीबीसी के बारे में क्या कमेंट यस पूर्णा वेरी गुड एपीबीसी ध्यान से देखो इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और नॉट किस बेसिस पर एसेट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स अगर हां 180 डिग्री और सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बच्चों मीनिंग क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इन चारों पॉइंट से सर्कल पास हाँ एक सर्कल पास हो रहा है इन शॉर्ट तो ये चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है तो एबीसी से पास होने वाला सर्कल अपेरेंटली पी से भी पास हो रहा है समथिंग लाइक दिस है ना ओके 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 तो यही वाला सर्कल 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 भी हो गया तो एपीबीसी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सर्कम सर्कल ऑफ एबीसी ऑल्सो पासिस थ्रू पी विथ वॉट एल्स यस और नो with PC diameter. Why PC diameter? Why PC is the diameter? 90 degree. This angle is 90. तो ये diameter भी होगा. अच्छा PC diameter है. तो फिर circumcenter क्या हो गया? Midpoint. है ना? Midpoint of diameter. हाँ तो P का coordinate पता है. इसको तो obviously बात है अपन ने T3 माना था. C भी पता है. That implies S is midpoint of PC. So P era, C era. So H क्या बन जाएगा? 2A plus 83 square upon 2 और K क्या बन जाएगा? इन दोनों का midpoint. तो 283 minus 83. 283 minus 83 upon 2. तो अपन को बस क्या करना है? 83 eliminate करना है. तो यहाँ से उठा के यहाँ पे फेल दिया जाए. तो 83 मतलब T3 is क्या रहे 2K by A तो T3 आ गया 2K by तो T3 को धीमे से यहाँ पे पुट कर दो तो 2H is 2A plus A T3 square मतलब 4Y square by A square this is the locus just leave it here that's it चलेगा sorry देख लो I hope समझाओ ये अच्छे से नहीं why is it this question very difficult लास्ट लेक्चर का जो थोड़ा सा पेंडिंग था वही डिस्कशन सॉरी लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन पेंडिंग था वही डिस्कस कर रहा हूं मैं बस सर इसमें बस वो कंस्ट्रक्शन है ना वो टेंजेंट वाला हाँ यस इन नॉर्मल सेट t1 एंड t2 मीटर t3 बट मैंने क्या किया वो जो टेंजेंट्स है ना उनको भी कनेक्ट कर दिया इसे क्योंकि 90 90 है
तो वो साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गया, तो सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट. तो दिस इज लाइक द इजीएस्ट वे टू गेट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. और कोई मेथड है क्या? और कुछ होगा भी तो बहुत बहुत ज्यादा लेंथी होगा कि सच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालने, दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू सॉल्व. ओके अमन, सीधे सी बात देख, पी और सी, ये रहा पी दिस और ये रहा सी, तो इन दोनों का मिड पॉइंट इज द सर्कम सेंटर देन, क्योंकि पी सी डायमीटर है. तो एच क्या हो जाएगा 2a plus 83 square by 2 और k क्या हो जाएगा 283 minus 83 by 2. तो अपन को लोकस निकालना है तो वेरिएबल एलिमिनेट करना है. तो व्हाट इज वेरिएबल? t3. तो यहां से t3 निकाला इस वाले रिलेशन से, t3 is 2k upon a और ये t3 इधर पुट कर दिया. तो द मिनट यू आर लेफ्ट विद अ रिलेशन इन h and k यू हैव योर लोकस. ये आंसर है. ठीक है, दैट्स इट. So, इसको x and y में कर देंगे ना? हाँ वो ठीक है, मतलब फाइनल तो कर ही सकते हो. तो ये ऐसा कुछ आ रहा है 2 a square x is, नहीं 2 तो कैंसिल कर दो, a square x is equals to 2a cube plus 4y square something like this, ऐसा टाइप का आंसर आ रहा है. ये तुम्हारा पैराबोला का इक्वेशन है फाइनल. t1 t2 कैसे है? t1 t2 is equals to 2. ये तो लास्ट लेक्चर किया था ना मैंने, इफ नॉर्मल से t1 एंड t2 मीट ईच अदर एट t3. ये तो लास्ट लेक्चर अपन करके गए थे, नोट्स देखना, चेक करना. इफ नॉर्मल से t1 एंड t2 मीट ईच अदर एट t3, ये दोनों रिलेशन अपन ने एस्टैब्लिश कर लिए थे, उसी के बाद ये क्वेश्चन दिया था. तो ठीक है, तो ट्रीट दिस एज अ क्वेश्चन, दिस वाज नॉट अ प्रॉपर्टी और एट ऑल. जो प्रॉपर्टी है वो मैं प्रॉपर्टी जैसा लिखा देता हूँ कि दिस इज द प्रॉपर्टी एंड फलाना फलाना, बाकी ट्रीट दिस एज अ क्वेश्चन. को नॉर्मल पॉइंट्स में से बस याद क्या रखना था, आई विल रिपीट इट. को नॉर्मल पॉइंट्स में से याद ही रखना था कि को नॉर्मल पॉइंट का मतलब क्या होता है. द फीट ऑफ नॉर्मल्स, ये तीनों पॉइंट्स को नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं. और टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री जीरो होता है, समेशन टी वन टी टू टू ए माइनस एच बाई ए होता है, और टी वन टी टू टी थ्री के बाई ए होता है, ऐसा टाइप का. और ये भी याद नहीं आ रहा तो क्यूबिक बनाना सीख लो, कि एक नॉर्मल में एच कॉमा के रखोगे तो क्यूबिक बन जाएगा, उसके बाद सब कुछ खुद से डेराइव कर सकते हो, कोई भी नई चीज नहीं है इसमें. तो ये जो ये था ये प्योर क्वेश्चन था, दिस वॉज नॉट अ प्रॉपर्टी. ओके, दिस वॉज नॉट अ प्रॉपर्टी, जस्ट ऐसे क्वेश्चन. तो आगे बढ़ू बच्चों? Yes, sir. ठीक है चलो. तो नेक्स्ट वाला भी मैं एज अ लाइक आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कॉल दिस अ प्रॉपर्टी, मतलब साथ में डिराइव कर लेते हैं, ऐसे नोट बोल देता हूँ. दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी एज सच, अगर रखना भी हो तो उसमें से एटमैक्स क्या याद रखना है वो मैं बता दूंगा. बट जैसे देखो अपन ऐसे कर रहे हैं, और इसी पे मैं दो क्वेश्चन और दूंगा इसी डेरिवेशन पे. तो लेट्स से कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी को सीरो. एक सर्कल ले लो, ठीक है, कंसिडर अ सर्कल दिस एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स. ठीक है, तो अपन जस्ट ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इफ अ सर्कल एंड अ पैराबोला इंटरसेक्ट देन व्हाट हैपेंस, ऐसे टाइप का जस्ट ऑब्जर्वेशन की व्हाट हैपेंस एट हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल इंटरसेक्ट, क्या क्या हो सकता है टाइप का, ऐसा टाइप का कुछ देख रहे हैं. ओके, सो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी अपन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दैट. तो सर्कल तो देखो ऑब्वियसली बात है, कोई सा ऐसा जनरल सर्कल है, सेंटर कुछ भी हो सकता है, माइनस जी माइनस एफ. बट आई हैव टेकन पैराबोला एज अ स्टैंडर्ड पैराबोला, क्योंकि मेनी थिंग्स वी डिराइव इन पैराबोला लाइक यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली. तो जैसे ये तुम्हारा सर्कल है और एक ये पैराबोला, यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है ऐसा. तो लेट्स से इक्वेशन बनाते हैं तो और समझ आता है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी पे. तो एटमैक्स डायग्रामेटिकली तो दिख रहा है कि दे कैन इंटरसेक्टेड फोर पॉइंट्स, राइट, एटमैक्स दे कैन इंटरसेक्टेड फोर पॉइंट्स डायग्रामेटिकली दिख रहा है. मैथमेटिकली कैसे देखोगे? मैथमेटिकली अब देखना है तो सॉल्व देम, सॉल्व करके देख लो कितना डिग्री इक्वेशन बन रहा है. तो सॉल्व का मतलब क्या होता है, यहां से एक्स उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वाई स्क्वायर बाय फोर है. तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय फोर रखोगे एक्स की जगह तो कितना डिग्री इक्वेशन बनेगा बच्चों, क्या होता है एक तरीके से, चार
पॉसिबिलिटीज फोर रूट्स तो हेंस फोर इंटरसेक्शन पॉइंट्स देयर आर लेट्स से इसके चार रूट्स आते हैं y1 y2 y3 y4 तो ये y1 y2 y3 y4 विल बी द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ abcd ठीक है बट दैट इज नॉट समथिंग दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर क्योंकि ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा ये y1 y2 y3 y4 मुझे पसंद नहीं ध्यान से देखना और ये समझना और मतलब इसमें आर्ग्यू कर लेना अगर कुछ नहीं फील होता है तो देखो सॉल्व कर रहे हैं आई एम गोइंग टू सॉल्व देम बट मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ और मैं ऐसा रिजल्ट निकालूंगा जो अपन को प्रेफरेबल रहेगा तो सॉल्व देम मतलब क्या हुआ ये जो किया था वो भी सॉल्विंग ही है बट उससे क्वाड्रेटिक बनेगा या तो एक्स में या वाई में सॉरी फोर डिग्री क्वेश्चन बनेगा या तो एक्स में या वाई में ऐसा टाइप का बट लेट्स से कि मुझे एक्स और वाई में रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे अभी तक किस चीज में रिजल्ट चाहिए थे अभी तक मैं अपने सारे रिजल्ट किस फॉर्मेट में याद रखें T1 T2 हाँ T के फॉर्मेट में रिजल्ट याद रखें तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ टेक योर पैराबोला मैंने जो प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन दिखाया था कि x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो y में 4 डिग्री बन जाएगा वो भी सही था बट मैं पैराबोला को इस बार ऐसे फॉर्मेट में ले रहा हूँ चलेगा क्या टेक द पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड सॉल्व विद सर्कल ठीक है एंड नाउ सॉल्व विद सर्कल तो अब ध्यान से देखना इसका इंटरप्रिटेशन भी समझना ये दोनों उठा के ऊपर रख दो इंस्टेड ऑफ x एंड y वी आर टेकिंग x इन टर्म्स ऑफ t y इन टर्म्स ऑफ t तो इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों x की जगह रख दो ए टी स्क्वायर y की जगह 2at 2gx मतलब क्या बन जाएगा 2agt स्क्वायर 2fy मतलब 4fat और प्लस c को जीरो ये भी क्या बन रहा है व्हाट इज दिस 4 डिग्री यस सर हाँ 4 डिग्री इक्वेशन इन टी बन रहा है तो अभी भी क्या इंटरप्रिटेशन हुआ बच्चों 4 डिग्री इक्वेशन मतलब चार रूट्स और चार रूट्स का मतलब क्या हुआ 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स चलो इसके T1, T2, T3 एंड T4 चार रूट्स मान लेता हूँ तो चार रूट का मतलब चार इंटरसेक्शन पॉइंट बट इस बार जो है T1, T2, T3, T4 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डायग्राम में बताओ इस बार ये T1, T2, T3, T4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम में ABCD ABCD के पैरामीटर्स पैरामीटर्स वेरी गुड सो T1, T2, T3, T4 जो जो इसके रूट्स बनेंगे These are the parameters of A, B, C and D. These are the parameters of intersection points. तो अपन ने instead of x and y पिछली बार जो equation बनी थी उससे क्या मिल रहा था y coordinates of the intersection point. इससे क्या मिलेगा parameters of the intersection point. ठीक है अगर parameter मिल गया तो तुम्हें एक तरीके से x और y दोनों मिल ही गए Previous में भी वही है y मिल गया तो x भी मिल ही जाएगा parabola में रख के बट ये देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे यहाँ पे बताओ अभी यहाँ पे अगर सम ऑफ द रूट्स लगाता हूं तो क्या मिलेगा सम ऑफ द रूट्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 क्या मिलेगा माइनस 4 स्क्वायर ना सो 0 0 0 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 4 ये होता है बच्चों सम ऑफ द रूट्स कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब क्या है जीरो हाँ तो एक्चुअली T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 क्या होगा जीरो उसके बाद वाली चीजें ट्रिवियल है बट मैं लिखूंगा जरूर दे आर ऑल ट्रिवियल S2 का मतलब समझते हो कितने टर्म्स होंगे इसमें हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन S2 S2 में कितने टर्म्स होंगे सर 2 नहीं 4 अबे ओए क्या क्या 2 कहां से आया अरे सॉरी ये गलत बोल दिया 4 4 भी नहीं होंगे 8 नहीं अबे काउंट कर लो ना टेकन 2 एट अ टाइम सर 16 नहीं 12 अबे काउंट कर लो 6 हाँ काउंट कर लो ना कितने तरीके से जैसे 1 2 3 4 है तो क्या क्या ले सकते हो 1 and 2 1 and 3 1 and 4 2 and 3 2 and 4 या फिर 3 and 4 तो 6 पॉसिबिलिटीज हुई ना टेकन 2 एट अ टाइम में 12 ये याद रखने वाली चीज नहीं है बस यही याद रखने वाली चीज है और उसको कैसे याद रखना वो भी बता देता हूँ
चलो एस थ्री का मतलब क्या हो जाता है, टेकन थ्री थ्री एट अ टाइम, तो थ्री थ्री एट अ टाइम वाले कितने बनेंगे, वन टू थ्री चार है, वन टू फोर, वन थ्री फोर और टू थ्री फोर, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा माइनस दिस बाय दिस, तो माइनस फोर ए एफ अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और एस फोर भी लिखने के लिए फॉर्मुलिटी कंप्लीट कर रहा हूँ, टी वन टी टू थ्री थ्री टी फोर इज माइनस प्लस सी बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये चारों चीज ऐसे आ जाएंगी कि टी वन टी टू टी थ्री अगर पैरामीटर्स हैं ऐसे तो ये ट्रू हो जाएगा टाइप का, बट आखिरी के तीन कोई पॉइंटलेस हैं, वो मतलब हार्डली यूज आएगा, ठीक है। अच्छा ये टी थ्री टी फोर ही था, सॉरी आई लाइक गलती से रोड T3 T3, इट वॉज T3 T4, वही था वो, है ना। तो ये समझा एनालिसिस, तो देखो इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या याद रखना है, यहाँ बाजू में लिख देता हूं, इफ T1 T2 T3 एंड T4 आर, देखो ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल सी बात है, आर फोर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन पैराबोला। सोच लो क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, T1 T2 T3 एंड T4 जैसे ये बना हुआ है, R4 concyclic points, इसका मतलब क्या है, इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, तो बात तो वही होगी ना कि सर्कल और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन चारों पॉइंट पे, बोलने के लिए बहुत सही बात है। तो इफ चार पॉइंट्स ऑन पैराबोला आर ऑल्सो कॉन्साइक्लिक, देन क्या होगा बच्चों, सम इज जीरो, सम इज जीरो, ठीक है। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 क्या होगा, जीरो, याद रखो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, दिस यू नीड टू रिमेम्बर, बाकी सब ठीक है, बट मैंने इसका क्रक्स यहाँ लिख दिया है। और इस पे एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि कोई कुछ भी पूछे तो अपन को एटलीस्ट अपने नोटबुक में लिखा हुआ है कि हाँ भैया क्या पूछ सकते थे, क्या कर सकते थे। इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, कॉन्वर्स ट्रू, कॉन्वर्स ट्रू मतलब कॉन्वर्स का स्टेटमेंट बोल सकता है, सम जीरो तो फिर कॉन्साइक्लिक, हां T1 T2 T3 T4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट, हां चार ऐसे पॉइंट्स जब दैट उनके पैरामीटर्स का सम जीरो है, अगर पैरामीटर्स का सम जीरो है तो वो चारों कॉन्साइक्लिक होंगे। प्रूव करूं क्या, मतलब कितना फ्रॉडुलेंट आर्गुमेंट दूंगा मैं, नॉट रियली नो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट ऐसे लिखने के लिए बोल रहा हूं। तो बच्चों दो रिजल्ट हो गए अपने, को नॉर्मल पॉइंट का रिजल्ट क्या था और को नॉर्मल पॉइंट कितने होते थे, क्या रिजल्ट होता था, तीन होते थे, उनका सम जीरो, हाँ, और तीन पॉइंट्स अगर कोनॉर्मल है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या होता था बच्चों, जीरो, एंड कॉन्वर्स भी, इसका भी कॉन्वर्स ट्रू था, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस कोनॉर्मल कहलाते हैं। सिमिलरली चार पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होते हैं, फोर पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, एंड उसमें भी सम ऑफ पैरामीटर्स क्या होता है, जीरो, तो सिमिलर लुकिंग रिजल्ट है। तो ये क्या हुआ, हैंग हो गया, स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप एज द शेयरिंग विंडो इज क्लोज, पता नहीं क्या हुआ ये, सॉरी, ओए सॉरी, हाँ चलो, तो फोर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 भी क्या होगा, जीरो, और इसका भी कॉन्वर्स ट्रू। बस यही अपना क्रक्स ऑफ डिस्कशन है, कोनॉर्मल पॉइंट और ये वाले इससे, चलेगा क्या, किसी को कुछ पूछना है इसमें थ्योरी वाइज, तो सर चलो ठीक है, तो मैं इस पे क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ ताकि आपका अभी के अभी इस पे फ्रेश एकदम प्रैक्टिस भी हो जाए, एक दो सम भी हो जाए, ठीक है, तो इसको छाप लो। मैंने इसको जेई में पूछते हुए नहीं देखा है इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, बट जो इंपॉर्टेंस वाला बोल दिया, डब्बा डब्बा वाला स्टेटमेंट याद रख सकते हो। नहीं एब्रोनिल, T4 नहीं आता है, टेकन टू टू एट अ टाइम मतलब दो अलग अलग कितने तरीके से ले सकते हो, तो इन चारों में से दो दो का कॉम्बिनेशन, तो वन एंड टू कंबाइन कर सकते हो, वन एंड थ्री, वन एंड फोर, टू एंड थ्री, टू एंड फोर, थ्री एंड फोर, T4 इज नॉट टेकन टू टू एट अ टाइम, ठीक है, तो कॉपी दिस, फिर मैं इस पे क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो कॉपी दिस।
So, बोलो पूछो कुछ पूछना है तो सर वो 4a² + 2ag है ना 4a² + 2ag टाइम टी स्क्वायर का ये दोनों टर्म्स टी स्क्वायर है नहीं तरुण ऐसा कुछ नहीं उन्होंने अपना कमेंट वापस ले लिया कौन सा कमेंट अरे वो AICTE वालों ने बोला ना मैथ्स एंड फिजिक्स आर नॉट कंपलसरी एक दिन कांजा मार के बैठे होंगे और कमेंट रिलीज कर दिया सर वो कर गया उनका सर वो शायद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बोल रहे थे नहीं नहीं उन्होंने बोला पूरे इंजीनियरिंग के लिए बस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर साइंस की भी क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स की भी क्या जरूरत है तो ठीक है बीच बीच में ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं उन लोगों को कोई नहीं चलो आगे बढ़ूं इसी पे क्वेश्चन फ्रेम करता हूं मैं एक दो ट्राई करो चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा और एक दो ओके ओके सम दूंगा मतलब तीन सम देता हूं ये ट्राई करो पहले तो इसका मीनिंग बताओ क्या है कैन यू रिलेट दिस टू द डायग्राम दैट वी जस्ट सॉ थोड़ा सा सोच के बताओ मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बुकलेट का भी दे देता हूँ इफ आई रिमेम्बर बुकलेट में इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो व्हाई नॉट यूज दैट इसको अभी क्लास में ही कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा बात सही रहे खाने के लिए जो मैंने कहा गया शायद इंटीजर टाइप में था हाँ
मिल ही नहीं रहा। रुक जाओ ढूंढता हूँ तब तक कुछ और प्रेम करता हूँ। क्वेश्चन वन का मतलब समझा इन द प्रीवियस डायग्राम? क्वेश्चन वन का मतलब समझा इन दिस डायग्राम एक्चुअली अ सर्कल एंड पेयर। उसने बोला प्रूव दैट कॉमन कॉर्ड। तो वैसे सर जरा सोच के बताओ इसमें कितनी कॉमन कॉर्ड बनेगी बच्चों? इफ लेट्स से दिस इज द डायग्राम तो कितनी कॉमन कॉर्ड बनेगी? सर दो सर टू। कौन सी टू? चलो नेम इट। कौन सी दो कॉमन कॉर्ड? बीडी एंड एसी माइनस 24। कैन यू रिपीट दिस? बीडी एंड एसी एक अंदर हो और भी बन सकते हैं। बीडी एंड एसी एक ने बोला एबी एंड सीडी। सानिका और नहीं बन सकता? सर बीडी एंड एसी। हाँ तो टोटल काउंट करके बताओ ना सब अलग अलग आंसर दे। हाँ तो फिर टोटल कितने हुए? चार। चार नहीं फिर से काउंट कर। ए बी बी सी सी डी डी ए और क्या हो सकता है? कॉमन कॉर्ड मतलब क्या हुआ? दोनों की कॉर्ड है वो, एक ऐसा लाइन जो दोनों को कॉर्ड है। और कॉर्ड मतलब क्या? लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। कितने हो गए टोटल? सिक्स। सिक्स वेरी गुड। कौन से कौन से? ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड। हाँ व्हाई नॉट, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, इट्स अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑल्सो। ए बी बी सी सी डी डी ए। वॉट अबाउट ए सी एंड बी डी ऑल्सो? टोटल कितने कॉमन कॉर्ड है? सिक्स है। सिक्स। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैंने क्या बोला है, प्रूव दैट द कॉमन कॉर्ड अपोजिट वाले मतलब अपोजिट वाले कॉमन कॉर्ड मतलब सर नॉट इंटरसेक्ट। मतलब लाइक ए बी लिया है तो दूसरा वाला कौन सा लो? सब बी सी एडी भी हो सकता है। हाँ हाँ कोई सभी, बट एक एक पेयर ले लो ना। नॉट इंटरसेक्टिंग ना, इट डजंट मैटर। नो इट रियली डज नॉट मैटर, इट रियली डज नॉट मैटर। ए बी एंड सी डी या फिर ए सी एंड बी डी, सबसे अच्छा डायग्रामेटिकली कौन लग रहा है? ए सी एंड बी डी राइट। प्रूव दैट ए सी एंड बी डी आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब मैं आगे आइडिया नहीं दे रहा, तुम लोग खुद लोग सोचो कैसे करोगे। ठीक है, इक्वल इंक्लाइंड पहले सोचो क्या होता था। इक्वल इंक्लाइंड प्लस माइनस वन नको, ऐसा कुछ भी नहीं था। इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो? अगर दो लाइन इक्वल इंक्लाइंड टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री है मतलब एक तरीके से घूम फिर के क्या हो गया? सेम एंगल मेजर। सेम एंगल मेजर। कुछ और रिलेशन याद है क्या किसी को? देयर वाज अ प्रॉपर रिलेशन m1 plus m2 equals to 0। हाँ yes, करके बताओ, करके बताओ। yes sir। सोचो ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2c का 9 थोड़ा अच्छा, मुझे तो अच्छा ऐसा लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन होगा ये। और एक ये भी दे देता हूँ मैं, एक सेकंड, ये भी बुकलेट में है क्या? नहीं है तो मैं फ्रेम कर देता हूँ। हाँ क्वेश्चन 44 ऑफ एक्सरसाइज 3, ये चार क्वेश्चन अभी करते हैं। और एक और क्वेश्चन कराना ही यार, करा ही देता हूँ यार, क्यों वेट करें इस चीज का। बट इसको अपन, इसको मैं ही करूंगा एक तरीके से, साथ में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वैसे कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब थोड़ा कैलकुलस में पढ़ोगे इसको, बट अपना थोड़ा थोड़ा ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज आ जाता है, तो मैं इसको करवा देता हूँ अभी। लास्ट वाला ये डिफरेंट है, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, 2c का क्वेश्चन 3 ये लास्ट में करेंगे, बाकी चारों रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर। फर्स्ट वाला आ गया क्या? बोलो फर्स्ट का सोल्यूशन, इतनी देर में आप ही जाना चाहिए, सब कुछ अपन निकाल के बैठे हैं, सब कुछ निकाल के बैठे हैं। ये अपना पैराबोला और ये अपना
सर्कल, तो तुम अपनी मर्जी से कोई सी भी दो कॉर्ड्स ले लो। तो मैं जैसे मान लो ये ले लेता हूँ, ए बी सी डी था, तो कोई सी भी दो ले लो, लेट्स से ए सी एंड बी डी ले लेते हैं। सबसे अच्छा दिखने में यही है, तो अपन ज्योमेट्रिकली तो प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज द इजियर वे, तुम्हें खाली क्या प्रूव करना है, स्लोप ए सी प्लस स्लोप बी डी इज व्हाट। तो स्लोप ऑफ ए सी को याद दिलाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी क्या यूज, 2 बाय टी1 प्लस टी2। वेरी गुड, क्या बात है यार, गुड गुड गुड, मतलब याद है रिजल्ट। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि अबे ये तो कॉर्ड जॉइनिंग टी1 एंड टी3 है, हां या ना, दिस इज कॉर्ड जॉइनिंग टी1 टी3। तो हमने तो इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टी1 एंड टी2 याद रखी है, हमें पूरी इक्वेशन भी याद है, तो उसका स्लोप तो पक्का याद दी है, इसका स्लोप ये है, तो फिर BD का भी स्लोप बता ही दो। अब और क्या, 2 by T2 plus T4 है ना, ये आ रहा है M of AC plus M of BD। अब क्या करूं, क्या और यूज करना बाकी है, क्या यूज करना बाकी है, सोचो। सर 2 कॉमन और व्हाट एल्स क्रॉस मल्टीप्लाई सम जीरो। हाँ सम जीरो, बट आएगा कैसे पहले वो तो बताओ, क्या और यूज करना बाकी है, ये जीरो अभी तो नहीं दिख रहा, कैसे कैंसिल कर दो इनको, जीरो कैसे आएगा ये बताओ। सर T4 कैन बी रिटन एज -1/T1। T4 कैन बी रिटन एज -1/T1 ऑन व्हाट बेसिस सर, ऑपोजिट वाले जो रहेंगे क्या बोलते अपने, नहीं 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 क्यों 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 T1 T4 -1, ये दो प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स -1 तो तभी होता है जब वो फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज हो, यहाँ पे फोकल कॉर्ड या फिर फोकस का कोई रिलेशन ही नहीं है। व्हाट एल्स, व्हाट हैव वी फॉरगॉटन टू यूज। हाँ वेरी गुड पूर्णा, अरे देखो ना क्या यूज करना भूल गए अपन अभी तक, देखो ना बोलो, देखा कुछ T1 plus T2 plus T3 वही तो यूज तो करो, क्या भाई ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक भी तो हैं, क्योंकि सर्कल और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। तो T2 plus T4 को क्या लिख सकते हो, हमें पता है कि T1 plus T3 बस खत्म हो गया ना, सॉल्व भी हो गया, ये तो होता ही है। तो T2 plus T4 को लिख सकते हो माइनस ऑफ T1 plus T3, तो ये दोनों कैंसिल होके जीरो। और जीरो तो वैसे भी कर सकते थे आप, 2 कॉमन। यस सर वही तो सर, 2 कॉमन लेके, फिर 2 कॉमन लेके क्या, अरे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अरे तो वो तो था ही, बट उसके बाद बोलो तो सही कि T1 plus T2 plus T3 plus T4 जीरो यूज करना। अरे आपने पहले स्टेप पे रोक दिया, मैं क्या बोलता। अच्छा चल ठीक है, मतलब मेरे को लगा अबे बोल देता ना उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, मेरे को बस ये जानना था कि यू आर यूजिंग दिस और नॉट, बस ठीक है चलो बात, बस ये था। तो एक्चुअली में ये वाला देखोगे तो ये दोनों एंगल इक्वल बना रहे होंगे, मालूम तुम ए बी और सी डी लोगे तो ए बी भी समझ ना ऐसा और ऐसा, वो एकदम सेम एंगल टाइप होगा, ऐसा 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 ऐसे प्रूव करने के लिए दे दिया। क्वेश्चन 2 करके बताओ, चलो क्वेश्चन 2 सोचो, बहुत आसान है एंड आई वॉन्ट अ प्रॉपर आंसर, इनफैक्ट इट शुड नॉट टेक मच एफर्ट। अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 को नॉर्मल पॉइंट्स ऑन पैराबोला, एक सर्कल 3 को नॉर्मल पॉइंट से गुजर रहा है, देन इट ऑल्सो मस्ट नेसेसरीली पास थ्रू डिश क्यों ऑफ पैराबोला। सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉइंट नहीं होता मेरे भाई, फोकस मतलब नहीं ऐसे, अरे सुन गेस वर्क नहीं करना है, प्रॉपर आ जाएगा सॉल्व करके, देखो ना क्या क्या दिया हुआ है इसके बेसिस पे, सोचो थोड़ा सा, फिगर इट आउट। वेरी गुड आयुष, सही है, अब एक पॉइंट से पास होगा पार्थ, लेट अस रेक्टम पॉइंट थोड़ी होता है, वो तो एक लाइन होती है, एब्रोनिल करेक्ट, बट कोई रीजन भी देना, जिसने भी आंसर दिया हुआ है वो रीजन भी देना पड़ेगा, ऑन व्हाट बेसिस यू केम टू दिस कंक्लूजन।
नहीं सुमित, नो अमन, नो वेरी गुड पूर्णा, दिशा करेक्ट, और किसका है? हाँ सुमित करेक्ट। चलो बाकी बच्चे भी देख लो और प्रॉपरली मैथमेटिक्स क्या रहे तेरा आंसर तेरे हिसाब से? अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री को नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ अ पैराबोला। Let T1, T2 and T3 be the co-normal points. ठीक है, T1, T2, T3 तीन co-normal points है parabola पे। तो हमें ये result तो रटा ही हुआ है कि भैया ये true होना पड़ेगा। ठीक है, but इन points से circle pass हो रहा है। ठीक है, it's like circle passes through T1, T2, T3. That implies it must pass through one more point, that is let's say T4. Obviously बात है, circle चार point पे meet करता है parabola को, ये हमने पहले establish कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है T1, T2, T3 से तो pass हो रहा है, let the fourth point be T4. तो T1, T2, T3, T4 क्या हो गए बच्चों? Concyclic। But अगर T1, T2, T3, T4 concyclic है, तो T1 plus T2 plus T3 plus T4 क्या होता है बच्चों? Zero. तो इन दोनों से conclusion? जो चौथा पॉइंट था उसका पैरामीटर जीरो, और अगर पैरामीटर जीरो है तो पॉइंट क्या है? राइट, यस सर। हाँ, तो वर्टेक्स से पास होगा ही होगा, चलेगा। तो उसको मतलब ऐसे डायग्रामेटिकली मत विजुलाइज करो, दिस इज गुड इनफ कि तीन को नॉर्मल पॉइंट से पास हो रहा है तो चौथा पॉइंट हैज टू बी वर्टेक्स, इट हैज टू बी वर्टेक्स, it has to be vertex. Diagrammatically दिख रहा है थोड़ा। Diagrammatically दिख रहा है? अबे नहीं यार, मैं तो आज तक ढंग का डायग्राम नहीं बना पाया। I could never make a diagram showing कि like ऐसा हो रहा होगा। मतलब मुझसे तो कभी नहीं बनता है कि एक ऐसा normal, मुझे तो ये नहीं समझ आता क्या क्या normal बनाऊं। तो ये तीन पॉइंट हैं, तो इन तीन पॉइंट से अगर सर्कल पास होगा तो चौथा पॉइंट ऐसा देख, हो गया ना कचरा, पता नहीं समझ जाओ भावना को। मस्त डाय। अरे नहीं, उसको कॉपी मत करो सर। भावना को, अरे भावना हो, मल्टीपल है, प्लूरल। चलो कॉपी करो, मैं एक सेकेंड आ रहा हूं।
सर म्यूट करो। हाँ क्या चल रहा था क्वेश्चन क्या था भाई एक सेकेंड टू सी का नाइन करना था। टू सी का नाइन थोड़ा सा अच्छा सोचना पड़ेगा। और बाकी किसका नेटवर्क इशू हो रहा था क्या हुआ भाई एक सेकेंड हमें सीधी सी बात है टी वन टी टू टी थ्री को नॉर्मल पॉइंट्स थे। उसने बोला सर्कल पासिंग थ्रू थी को नॉर्मल पॉइंट्स तो तीन पॉइंट्स ये माने मैंने बट सर्कल हमेशा चार पॉइंट पे कट करता है तो T1, T2, T3 से पास हो रहा है तो एक और पॉइंट हो गई होगा T4। तो T1, T2, T3, T4 कॉन्साइक्लिक हो गए तो उनका सम जीरो हो जाएगा। अभी अपन ने एस्टेब्लिश किया तो अगर ये भी जीरो मतलब T4 जीरो है तो जो चौथा पॉइंट जो है वो वर्टेक्स ही होना पड़ेगा। तो सर्कल पासिंग ऐसा क्यों प्रूव हुआ ना T4 जीरो मतलब क्या हुआ कोई किस पॉइंट का पैरामीटर जीरो होता है T4 जीरो मतलब ओरिजिन एक तरीके से मतलब वर्टेक्स इन शॉर्ट व्हेन यू पुट TF0 यू गेट 0,0। चलो क्वेश्चन 3 2C का 9 2C का 9 सोचो अच्छा आई थिंक ये मुझे नहीं लगता इसका कुछ लेना देना है आज मैंने ऐसे ही दे दिया। चलो दे दिया तो दे दिया दे, नहीं नहीं है लेना देना ऑफ कोर्स आई जस्ट सॉ AB इज अ फोकल कॉर्ड मतलब ये फोकस से पास हो रहा है तो फोकल कॉर्ड याद करो क्या होता था। फिर उसके बाद BC इज अ नॉर्मल कॉर्ड तो BC नॉर्मल कॉर्ड है उसका मतलब क्या हुआ B पे नॉर्मल बनाओ है ना नॉर्मल कॉर्ड मतलब नॉर्मल एट बी तो ये अपोजिट वाला पॉइंट सी है और एबीसी से पास होने वाला सर्कल डी से पास होता है तो सोचो क्या हो रहा है भैया यहाँ पे सोचो कैसे यूज करोगे। आई विल गिव यू 2 मिनट्स ट्राई करो। D vertex नहीं यार एक्चुअली ऐसा कोई रीजन नहीं है फॉर इट टू बी अ वर्टेक्स। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन फॉर द फोर्थ पॉइंट D टू बी अ वर्टेक्स। फोर्थ पॉइंट डायग्राम यार मेरे को सर्कल बनाने का बिल्कुल मन नहीं है बहुत कचरा होता है जब भी सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ऐसा बन गया क्या बना है ये लेट्स से डी एक चौथा पॉइंट है ऐसा वर्टेक्स श्योर मेरा वर्टेक्स तो नहीं आएगा मुझे नहीं लगता वर्टेक्स आएगा। ये कोनॉर्मल थोड़ी है क्या एबीसी कोनॉर्मल है आर एबीसी कोनॉर्मल पॉइंट्स ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है जस्ट दैट एबीसीडी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो ये ए है इसको टी टू मान लो इसको टी थ्री मान लो और इसको टी फोर मान लो तो T4 जीरो आ रहा है ऐसा कुछ नहीं मुझे नहीं लगता। T1 क्या है बताओ T1 क्या है A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A is given 4A, 4A तो T1 क्या हो गया जल्दी बताओ बे 280 square, 280 yes sir when you put T1 as 2 you will get 4A, 4A तो T1 2 है तो T2 कौन बता रहा है minus half
हाँ फोकल कॉर्ड याद है, टी वन टी टू माइनस वन। और याद रखना अगर ये टी टू है तो टी थ्री क्या होगा, टी थ्री क्या है, टी थ्री कैसे निकालते थे याद करो बच्चों। हाँ वेरी गुड पूर्णा सानिध्य करेक्ट। टी टू टी थ्री इज माइनस टी टू माइनस टू बाई टी टू, कौन सा ही है, नॉर्मल है टी टू इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन टी थ्री, तो टी थ्री पैरामीटर ऑफ दिस पॉइंट विल बी माइनस टी टू माइनस टू बाई टी टू, तो माइनस टी टू मतलब हाफ और माइनस टू बाई टी टू मतलब पता नहीं कितना है, प्लस फोर आ रहा है नाइन बाई टू। और टी फोर क्या होता है, T1 plus T2 plus T3 plus T4 zero होता है ना, तो मुझे T1 पता है, T2 पता है, T3 पता है, तो T1 is 2, T2 is minus half, T3 is 9 by 2 and T4 ये zero, तो T4 देखो ये आया है, I hope clear हो, जो कौन अमन बोल रहा था शायद zero होगा, D zero नहीं है, T4 zero नहीं है, तो ये कितना बन रहा है minus 6, हाँ I think minus 6, तो इसका coordinate क्या हो जाएगा, उसने पूछा क्या वैसे, उसने पूछा है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर 36 ए माइनस सॉरी कॉमा 280, तो 2 ए एंड दिस माइनस 12, समझा, तो आंसर उसने बोला पी प्लस क्यू बाय 4 ए, तो दिस प्लस दिस बाय 4 ए, 6 आंसर आना चाहिए शायद, देख लो एक बार, समझ गया क्या, किसी को डाउट है तो पूछ लो भैया, बट आई थिंक दिस वॉज फाइन, नॉट अ बिग डील एट ऑल, not a big deal at all, बिल्कुल सही है ये question. Next वाला मस्त epic sum है, 44 का exercise 3, उसको जो method से तुम करके बताओ करके बताओ, exercise 3 44, very good sum.
चलो कुछ सोचने में आ रहा है. फ्रॉम सम पॉइंट 2.5 और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, मतलब a की वैल्यू 1 है. तो 2.5 पॉइंट से अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉप करी हैं, तो क्या होगा सोच के बताओ थोड़ा सा आराम से. कोई आइडिया बताओ. पहले तो डायग्राम से ट्राई कर लियो. डायग्राम से तो नहीं आएगा, मतलब आई वुड सजेस्ट स्टिल मैथमेटिकली कोशिश करो. बट बहुत इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, अपन उसको दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. From some point 2.5, two tangents are drawn to the parabola. Sir, so, हाँ हाँ आराम से. तो ऐसा कुछ होगा, मान लो यहाँ पे कहीं 2.5 होगा, तो tangents to the parabola are drawn. ऐसा कुछ बना देता है. I don't know क्या होगा. ऐसा डायग्राम मान लो. Two tangents to the parabola are drawn. Let this be A. Let this be B. तो क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सर्कल PAB passes through vertex of parabola. प्रूव दैट सर्कल PAB passes through vertex of parabola. Now this is a very specific thing. मतलब सर्कल ऑफ PAB passes through vertex. सुना सुना तो लग रहा है सर्कल passing through vertex. सोचो क्या करोगे, सोचो. क्या यूज कर सकते हैं सर्कल पासेस थ्रू, प्रूव दैट द सर्कल ऑफ PAB पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. व्हाट डज इट साउंड लाइक?
differentiate the equation of parabola with respect to x to get the slope of tangent. अबे नहीं बे किस direction में सोच रहा है? उतना वहाँ कहाँ जा रहा है? Why would you want to differentiate the equation of parabola to get slope? ज़रूरत ही नहीं उतनी की. ये at1 है at2 है. सोचो क्या हो सकता है इससे? A and B and some other points are co-normal. Correct, Purna. But उसके लिए अपन use क्या करेंगे? In order to get there, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना. तो this is a very specific case का use. बताओ क्या करें? मैंने चलो ये T1, T2 दे दिया, तो यहाँ से क्या use कर सकते हो? कोई बताएगा? क्या लिखना बाकी अभी? Sir, intersection of tangents is A T1, T2 plus A times of T1 plus T2. Very good. तो parabola y square equals to 4x है, तो in short तुम्हारा A तो बने, right? तो P का कोऑर्डिनेट होना क्या चाहिए? P should be A T1 T2. A T1 T2 कॉमा 2 A times of T1 plus T2. है ना? बट ये कितना गिवन है? 2.5. तो T1 T2 क्या हो गया? 2 and T1 plus T2 5. अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो. चलो यहां से कुछ याद दिलाओ. एनीवन? कुछ याद आ रहा है? पॉइंट्स विल बी कौन सा क्लिक कैसे? आयुष, ऑन व्हाट बेसिस? प्रोडक्ट ऑफ टू पैरामीटर. और कुछ? और कुछ? जस्ट आई जस्ट स्पेसिफिकली गॉट टू. T1 into T2 is 2. T1 into T2 is 2. I specifically got T1 into T2 is 2. Can I conclude from here? अगर T1 T2 2 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि नॉर्मल है T1 एंड नॉर्मल है T2 विल मीट ईच अदर ऑन सम पॉइंट T3 एट पैराबोला. बोलो, ये कंक्लूड कर सकता हूं? यस सर. याद आ रहा है? वही तो था, नॉर्मल से T1 एंड T2 मीट ईच अदर ऑन पैराबोला T3 देन T1 T2 इज 2 एंड T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 0. बट एक बार एनीवे कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ऐसा उल्टा बोल सकते हैं क्या? वैसे बोल सकते हैं. देखो कैसे, सीधी सी बात है. नॉर्मल है टी वन कहीं ना कहीं तो मीट करेगा ना. लेट्स से नॉर्मल है टी वन मीट्स एट टी थ्री, मीट्स एट टी थ्री, मीट्स द पैराबोला अगेन एट टी थ्री. तो टी थ्री मस्ट बी गिवन बाय माइनस टी वन माइनस टू बाय टी वन, है ना? बट तुम इसको क्या बोल सकते हो? टू बाय टी वन को क्या लिख सकते हो? टी टू. तो टी थ्री इज माइनस टी वन माइनस टी टू. ऐसे मुझे नहीं पता नॉर्मल है टी टू कहां पे मीट करेगा. तो नॉर्मल है टी टू लेट्स से मीट्स पैराबोला अगेन एट टी फोर. तो टी फोर टेक्निकली क्या हो जाएगा? माइनस टी टू माइनस टू बाय टी टू, है ना? बट टू बाय टी टू का क्या लिख सकते हो? माइनस टी, है ना? टू बाय टी टू टी वन. तो ये माइनस टी टू माइनस टी वन है, ये भी माइनस टी टू माइनस टी वन है. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? टी थ्री इज टी फोर. तो ये टी वन जहां पे मीट करेगा ये वाला नॉर्मल, वो वाला भी सेमी पॉइंट पे मीट करेगा. अब बताओ प्रूव हो रहा है क्या? जल्दी बताओ. अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? अभी भी क्वेश्चन कुछ और है, बट क्या लिंक कर सकते हैं? उसने पूछा पी ए बी का सर्कल. कुछ याद आ रहा है? कुछ भी याद आ रहा है बच्चों? पी ए बी वाला सर्कल. सो डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा ना? डायरेक्टर सर्कल कहां से आ गया मेरे भाई? डायरेक्टर सर्कल कहां से आ गया पैराबोला में? डायमीटर. हाँ, और कंप्लीट करो, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो. अरे यार, ये अभी करा ये क्वेश्चन अपन. सर, सर्कम सेंटर फोकस रहेगा? सर्कम सेंटर फोकस रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं. अब भी अपन ने, अरे आज पहला क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो यही किया था. क्या किया था उसमें? रिलेशन याद करो. एक तो पहली बात ये बोल सकता हूं ना यहां से, मतलब T1 plus T2 plus T3 भी जीरो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कौन साइक्लिक पॉइंट?
नो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री जीरो आ रहा है. एक तो मैं ये बोल सकता हूँ PBCA कौन सा क्लिक पॉइंट है किस बेसिस पे बोला PBCA कौन सा क्लिक पॉइंट है किस बेसिस पे बोला सो यू दिस P और C को जॉइन करेंगे तो डायमीटर फॉर्म हो जाएगा. हाँ, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री है. इस बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ PAC और PBC अगर 90-90 हैं, तो ये PACB कौन सा क्लिक पॉइंट्स हैं? ये तो अपन ने अभी भी किया था ना. देखो ये ये तो मैंने क्वेश्चन दिया, वही का वही डायग्राम है. ठीक है, और साथ ही साथ ABC ऑल्सो ABNC क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 भी जीरो है, तो ABC भी क्या है? Co-normal points. Co-normal. Co-normal. इसका मतलब है P, A, C और B से पास होने वाला सर्कल कहां से और पास होगा? मतलब तीन co-normal point से पास हो ही रहा है ना. T4 का भी जीरो ही होगी वैल्यू. हाँ, this circle will pass through vortex. क्यों? अब भी ऊपर जो क्वेश्चन किया वही हो गया. So similar. हाँ, यही क्वेश्चन हो गया ना वापिस से. तीन को नॉर्मल पॉइंट से पास हो रहा है तो चौथा वाला पॉइंट क्या होगा? वर्टेक्स. तो अगर 2.5 से टेंजेंस ड्रॉप करूंगा तो ये पूरा वो सिनेरियो बन जाएगा वेयर नॉर्मल से T1 T2 मीट ईच अदर एट T3, वो वाला सिनेरियो बन गया. तो PABC कौन सा क्लिक पॉइंट से, मतलब ABC से पास होने वाला सर्कल वर्टेक्स से भी पास होगा. तो PAB से पास होने वाला सर्कल वर्टेक्स से पास होगा, सीधी बात. समझा? तो ये काफी आगे का क्वेश्चन था एक तरीके से, मतलब सारी चीजों को यूज करते हुए. अब मैं एक मेथड बताऊं जिसमें इसमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे अपन. एक मेथड बताऊं जिसमें किसी का भी यूज नहीं करेंगे. ये सब ऐसा था, इसमें से एक भी चीज बताओ जो प्रॉपर्टी थी, एक भी चीज जो एक्चुअल प्रॉपर्टी थी, जो मैंने ऐसे प्रॉपर्टी याद रखने के लिए बोला था. एक भी चीज को नॉर्मल पॉइंट. ओके, को नॉर्मल पॉइंट वाला प्रॉपर्टी था, बट को नॉर्मल पॉइंट का एक्सप्लिसिट यूज नहीं हुआ अपन ने. को नॉर्मल पॉइंट का ये यूज करा. हाँ, बस उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी ऐसे यूज नहीं हुई. ये सब अपन ने वो जो पुराने क्वेश्चंस थे उन्हीं क्वेश्चंस को अप्लाई करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा. तो इसको फिर सॉल्व करने का अलग भी तरीका होना चाहिए, नहीं तो सर आप हर क्वेश्चन एक तरीके से यूज कर रहे हो तो प्रॉपर्टी हो गई ना एक तरीके से. नहीं, बिना इसके कर सकते थे. ये तो मेरे को आपको इसलिए दिखाना था क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया था. एक काम करो, एकदम लेमन मेथड, लेमन समझते हो, गरीबों वाली, एकदम गरीबों वाली मेथड से करते हैं जिसमें किसी को कुछ नहीं आता. बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने, बट किसी को अगर कुछ नहीं आता तो कैसे करते? तो एक काम करो, कौन सा कलर यूज करो? ब्लैक यूज करो. हाँ, ये मान लो ऐसा कुछ डायग्राम था. हाँ, ये 2.5 है, ये A है, ठीक है, ये B है. तो ये रिलेशन तो ट्रू था, ये इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है. T1 T2 2 होगा एंड T1 प्लस T2 5 होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी. अब उसने बोला था कि PAB का सर्कल वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो ले ये जो वर्टेक्स है ले 0 0. तो ये चार पॉइंट कॉन्सेक्टली प्रूव करना है, राइट? यस सर. अपन को ये प्रूव करना है कि VAPB आर कॉन्सेक्टली. अगर ये प्रूव हो गया मतलब PAB का सर्कल वर्टेक्स से पास हो रहा है, खत्म कहानी. अब ध्यान से एक काम करो बच्चों, एकदम बचपन वाली मेथड याद रखो. अगर चार पॉइंट कॉन्सेक्टली है तो क्या प्रूव करना इनफ होगा? अगर चार पॉइंट कॉन्सेक्टली है तो क्या प्रूव करना इनफ होगा? कोई से भी दो ले लो अपोजिट वाले. मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को ये ले लेना चाहिए, ये और ये, चलेगा क्या? है ना? yes, तो थीटा प्लस अल्फा क्या आना चाहिए? 180 डिग्री. तो चलो देखते हैं. ये देखो, मैं और एकदम और अच्छे तरीके से थीटा, इसको मैं कुछ एंगल मान रहा हूँ इस डायरेक्शन में. तो ये वाला डायरेक्शन सेम डायरेक्शन बना, देखो एरो के हिसाब से. yes, है ना? तो ये देखो, तुम्हें प्रूव करना है टेन थीटा, मतलब तुम्हें प्रूव करना है थीटा प्लस अल्फा 180, मतलब tan थीटा मस्ट बी माइनस tan अल्फा. हाँ या ना? yes, यही प्रूव करना है ना, या फिर tan थीटा प्लस tan अल्फा 0, जो भी बोलो. तो ये देखो, yes,
अल्फा उधर चला जाएगा तो 180 माइनस अल्फा, तो 10 थीटा इज 10 180 माइनस अल्फा, मतलब माइनस 10 अल्फा, तो ये प्रूव करना है अपन को। लो देखो एक काम करो, 10 थीटा कैसे निकालोगे बच्चों, थीटा 10 थीटा कैसे निकालोगे, एंगल बिटवीन लाइंस आया ना, यस सर। तो एंगल बिटवीन लाइंस के बेसिस पर अपन ये बोल सकते हैं इसका स्लोप क्या बच्चों, ए मजा नहीं आ रहा, रुको एक सेकंड, किस किस के बीच का लिया जाए, ये और ये लूं क्या, एक सेकंड रुको यार बच्चों, अरे यार थोड़ा कैलकुलेशन ना हो जाए, रुको मेरे को सोचने दो कौन सा एंगल लिया जाए, ये वाला एंगल लूं, ये दोनों लूं कि ये दोनों लूं, रुको सोचने दो, मेरे हिसाब से एक सेकंड रुको यार, ये वाले से बेटर मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों ले लेता हूं यार, आई हैव अ फीलिंग ये दोनों ले लेता हूं, ठीक है। तो टेन थीटा ध्यान से देखो, इसका स्लोप क्या बताओ, स्लोप ऑफ ए वी वाला, दिस इज 81 स्क्वायर 281, इनफैक्ट वो भी क्यों लिख रहा हूं, टी वन स्क्वायर कॉमा 2t1, और ये वाला पॉइंट है t2 स्क्वायर कॉमा 2t2, ओके ऐसा टाइप का बन रहा है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस थिंग, दिस माइनस जीरो अपॉन दिस माइनस जीरो, तो बन जाएगा 2/t1, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ, इसका स्लोप है 2/t1, इसका स्लोप है 2/t2, ओके तो टेन थीटा क्या बन रहा है 2/t1 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 m2 ये बन जाएगा, तो कितना बन रहा है वो घूम फिर के बच्चों, t1 t2 की वैल्यू रख दो, t1 t2 इज 2, तो 2 टाइम्स t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2 अपॉन 3 बन रहा है क्या, एम आई रॉन्ग, सही है, गड़बड़ है क्या कुछ, एक सेकंड रुको, एलसीएम लूंगा तो 2 टाइम्स t2 माइनस t1 अपॉन परफेक्ट सर इनटू t1 t2 प्लस 4 मतलब 6 बाय नहीं सॉरी t1 t2 बाय 6, हाँ सही है ये आ रहा है, ये बन रहा है ये वाला, कैन वी फाइंड दिस एंगल, अल्फा निकाल सकते हैं क्या, तो टेन अल्फा ध्यान से देखो, कितने बच्चों समझ रहे हैं कि अबे ये है टेंजेंट एट t1, तो उसका स्लोप क्या होता है जल्दी बताओ, टेंजेंट एट t1 का स्लोप क्या होता है 1/t1, याद आ रहा है कुछ, टेंजेंट ये होती है ना तो क्या बन रहा है, यही बन रहा है कि नहीं, t1 t2 2 रखते हैं, यस सर, t1 minus t2 upon 1 plus t1 t2 type बन रहा है, वो ये बन रहा है, तो इन दोनों से ये दिख रहा है क्या, जल्दी बताओ, yes sir, clearly 10 theta is minus 10 alpha, और yes, ये हो गया, तो इससे ये हो गया ना, तो ये less complicated था, और ये एकदम generic method था, जो अपन straight line में use करते थे, ऐसा type का, कि m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, angle between lines से prove हो गया, ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, चलेगा, मैं तो बोलूंगा अगर कॉपी करना है तो ये मेथड कॉपी करो, वो वाला मेथड तो बहुत अ वेरी लॉन्ग शॉट टू एक्चुअली थिंक ऑफ दैट मेथड, ये वाला मेथड ज्यादा इजीयर है, चलेगा, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, ऊपर वाला भी करना है क्या, ऊपर वाला मत ही करो यार, ऊपर वाला मेथड तो मैं सजेस्ट करूंगा मत करो, कॉपी पॉइंटलेस है, वो सोचना भी बड़ा मुश्किल था, ये सोचना ज्यादा आसान था, तो आई वुड एनीवे प्रेफर दिस मेथड, ये कॉपी कर लो, और वैसे भी जेई इतना लेवल के क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, मैंने एकदम ऐसे ही फॉर्म में आके एकदम 2-3 बहुत हाई फाई लेवल क्वेश्चन करा दिए, सर डाले ही होते फिर बुकलेट में ऐसे ही यार, मतलब किसी को एकदम एकदम प्रो लेवल पे जाना है, मजा नहीं आता, खतरनाक सॉन्ग्स तो उनके लिए डाल के रखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक अपने 2C एक्सरसाइज का, एक सेकंड बता देता हूँ. 2C का ये है कौन सा था, 3 वाला, 2C का थर्ड क्वेश्चन. तो मेरे को बताना ही पड़ेगा क्योंकि यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट येट. 2C का थर्ड, तो ये वैसे एक्चुअली तो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज अ कैलकुलस का टॉपिक. बट मैं आपको एकदम बेसिक आइडिया दे देता हूँ जो अपन यूज कर सकते हैं. ठीक है, फिर दो मिनट दो ना प्लीज. हाँ यस प्लीज. अच्छा मैं ऊपर स्क्रॉल भी कर देता हूँ. चलो आगे बढ़े. तो उसने देखो कुछ ऐसा लिख रखा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन. अब ये क्या होता है भाई, वैसे दोनों कर तो रियलाइज कर गए ना कौन से हैं. एक y square equals to 4x है और एक है x square plus y square minus 24y plus 128. तो ये दोनों कर्व हमें पता तो है, ये पैराबोला है, सर्कल है. तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड द सर्कल. तो अब ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Not really. मतलब तू अब सोच के बता, ये सर्कल है और ये पैराबोला, what is the meaning of perpendicular distance? कुछ मीनिंग निकल रहा perpendicular distance का? सबसे छोटा तो वो है ना सर्कल से लेके. Shortest distance वैसे फील तो आ रहा है कि बोलना कौन सा डिस्टेंस आ रहा है. जैसे ऐसे मान लो एक पॉइंट इस पे घूम रहा है ए वाला और एक पॉइंट पैराबोला पे घूम रहा है. ठीक है, तो ए इस पे घुमाते रहो, बी इस पे घुमाते रहो, तो देर विल बी ए सिनेरियो when these a and b will be ekdam closest to each other. aisa dikh raha hai, sabse paas jab honge. yes sir, ye sabse paas jaise abhi itne dur hai abhi, to ye ghum raha hai, wo bhi ghum raha hai, but sabse paas honge, ye distance ko bolte hain shortest distance. theek hai, to wo matlab aise just language wise to bhi make sense ki ha like kya bolna cha raha hai, samjha to sahi, but aisa mathematically kya matlab hai uska. to shortest distance jaise dekho is pe zyada abhi apan phd nahi karte hain. अभी जो बता रहा हूँ वो सॉर्ट ऑफ मान लो, बट ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करोगे. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फंडा क्या होता है बच्चों, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स हैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो इसका बस एक ही आइडिया होता है, इट अपीयर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल. दिस इज समथिंग विच वी कांट प्रूव येट, हम प्रूव नहीं कर पाएंगे अभी, हम खाली इंफॉर्मेशन जैसा मान के इसको अज्यूम कर रहे हैं सर. चाहिए अभी अपना इतना मैथ्स हमने सीखा नहीं कि वी कैन प्रूव दिस, बट इसका मीनिंग निकालते हैं और इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चुपचाप. अब ये कर्व है मान लो कोई सा और ये एक कर्व है कोई सा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व, थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व, इट अपीयर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल. कॉमन नॉर्मल का मतलब समझ गए, और लाइन विच इज नॉर्मल टू दिस as well as normal to that at some points, अलग अलग. ठीक है, ऐसे ये इस पॉइंट पे इसको नॉर्मल है बट उसको भी नॉर्मल है, सेम लाइन. तो अपीयर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये वर्ड अगर तुम्हें याद रह जाएगा ना तो क्वेश्चन सॉल्वेबल रहेंगे. अलोंग कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, ये कॉमन नॉर्मल है, इसके अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट होगा. तो मतलब अगर ये ए पे मीट करता है बी पे मीट करता है तो ए बी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, AB is the shortest distance. This is what you need to know in order to solve this question. ठीक है, बस इतना concept काफी है. तो अपन जरा 2C के question 3 पे लगाते हैं बच्चों.
टू सी के क्वेश्चन थ्री में देखते हैं कि आपने जो बोला है क्या डज इट मेक सेंस या फिर कुछ फील आ रहा है. तो एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो ये तो अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है. और एक है सर्कल, तो ये सर्कल का लोकेशन तो देख ले कहां पर है ये. तो सर्कल के बारे में देखा जाए तो सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, माइनस जी माइनस एफ. व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? माइनस जी माइनस एफ. क्या क्या क्या? माइनस जी माइनस एफ. हाँ माइनस जी माइनस एफ, बट वो क्या रहा है मतलब आई वाज लाइक मेरे को तो पता ही है क्या रहा है वो. माइनस जी माइनस एफ क्या बन रहा है? 0,12. तो इस सर्कल का सेंटर 0,12 है और रेडियस क्या बन जाएगा? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर प्लस 144 माइनस 128. तो 144 माइनस 128 कितना? 4, है ना? ये सेंटर और रेडियस है. तो ये रहा सर्कल, 0,12 पे बैठा हुआ है वो, उसका सेंटर और रेडियस होगा 4. तो ऐसा बैठा हो जाएगा ना. क्या क्या क्या? 2 हो जाएगा ना, अंडर रूट भी तो रहता है, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. हां तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये हो गया ना. तो 144 माइनस 128 कितना बन रहा है? 16. है ना, वो सही है. रेडियस रूट 16 आया है, रूट 16 मतलब 4. तब तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज हो रहा है ना कि हाँ यार शॉर्टेज डिस्टेंस जैसा कुछ होगा. बट मुझे बताओ उसने जो बोला है उसको यूज कैसे करूं? हाउ डू आई यूज दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स अपीयर्स अलोंग सर दोनों के नॉर्मल की इक्वेशन निकाल. दोनों के नॉर्मल की इक्वेशन और बोलो और बोलो और बोलो. सबसे पहले हाँ कॉमन नॉर्मल जैसा हमने बहुत डील कर रखा है. कॉमन नॉर्मल फॉर्मल नॉर्मल बहुत डील कर रखा है. कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या? एक नॉर्मल टू पैराबोला इज ऑल्सो नॉर्मल टू सर्कल. हमें यह पता है कि इट अपियर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल, है ना? इट अपियर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल. तो किसकी नॉर्मल सबसे ऑब्वियसली हमारे लिए फिलहाल? पैराबोला. हाँ तो कंसिडर पैराबोला की नॉर्मल, कंसिडर नॉर्मल टू पैराबोला. अब हमें क्या पता कौन से पॉइंट पे, तो हम तो जनरल नॉर्मल लेते हैं भैया. तो कैसे पॉइंट पे ले लेते हैं? किसी भी एक टी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई हमने, तो वो क्या होती है बच्चों? y plus xt is 280 plus 80 cube. अब दिस लाइन इज सपोज टू बी नॉर्मल टू सर्कल ऑल्सो. दिस कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? ये लाइन सर्कल को भी नॉर्मल है, पैराबोला की नॉर्मल है. तो दिस इज नॉर्मल टू सर्कल ऑल्सो, है ना? तो मुझे याद दिलाओ, वैसे a की वैल्यू 1 है तो पहले ही रख देता हूँ. अब मुझे बताओ कि अगर ये लाइन सर्कल को नॉर्मल है तो क्या क्या कर सकते हैं? ये तो और इजी पड़ रहा है. सर्कल को नॉर्मल मतलब क्या? इफ अ लाइन इज नॉर्मल टू अ सर्कल मतलब क्या, याद दिलाओ? इट पासेस टू इट्स सेंटर. हां तो इसका मतलब अगर ये कॉमन नॉर्मल है तो ये लाइन पैराबोला की नॉर्मल तो होती है, बट आपने बोला कि ये सर्कल की भी नॉर्मल है. अगर सर्कल की नॉर्मल है दैट इंप्लाइज सी 0,12 मस्ट सेटिस्फाई. सीधी सी बात है, है ना? तो c 0,12 पुट कर दो तो x की जगह 0, y की जगह 12. क्या बन गया बच्चों? एक इक्वेशन आ गई है t क्यूब माइनस 2t माइनस 12 इक्वल टू 0. अब मुझे बताओ क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हो? सर एक रूट गेस करते. गेस मारो चलो. सर 2 है. 2 है, वेरी गुड. एक रूट 2 आ गया. बाकी रूट निकालू कि समझ गया? इसको फैक्टराइज कर लो हिट एंड ट्रायल से. तो एक तो t को 2 डालो तो 8. नहीं भाई 2 नहीं है एक्चुअली, रुक मैंने कहीं गड़बड़ करी. कहाँ 8? 8 नहीं है. एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया. 0,12 तो सही दिख रहा है. y y plus x equals to 280 plus 80 cube. सर t cube plus 2t होना चाहिए. हाँ वही तो. हाँ आप ठीक है, आप 2 सही सर. तो बाकी फैक्टराइज करके क्या आ जाएगा? t square. और मुझे t स्क्वायर नहीं चाहिए तो माइनस 2t स्क्वायर, तो प्लस 2t और प्लस 6, मतलब ये फैक्टर्स आ रहे हैं. तो इसको तो इग्नोर कर दो. t इक्वल्स टू 2 एक रूट आ रहा है, एक ही रूट आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ये मिल गया कि जो कॉमन नॉर्मल थी t इक्वल्स टू 2 रूट आ रहा है, तो इसका मतलब है a का कोऑर्डिनेट क्या बन गया बच्चों? t इज 2. तो t स्क्वायर कॉमा 2t कितने बच्चों को समझा? 4,4. तो मुझे बताओ ए बी डिस्टेंस क्या हो गया? ए बी डिस्टेंस हो गया. ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी सोच के बताओ. ए बी कैसे निकालेंगे? एसी माइनस 4. एसी माइनस आर, है ना? यस. तो एसी डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फॉर्मूला और क्या? रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट 80. वेरी गुड. और रेडियस कितना है? 4.
सो 4 इनटू रूट 5 माइनस 1 हां समझा बोलो सर उसको उस फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा ना यस सर वो समझ जाओ भावनाओं को यार मतलब ठीक है बट आइडिया लग गया ना क्या लिखा है a टाइम्स रूट ओवर b माइनस यहां ठीक है लिख लो चलो 4 टाइम्स रूट ओवर 5 माइनस 1 ऐसा टाइप का हो गया तो देख लो एबीसी आ गए बट आइडिया समझा This is the maximum that they can. Common normal. और common normal के अपन question 500 बार कर चुके हैं. Common tangent, common normal सबको पता है कैसे tackle करते हैं. तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए. But idea लग गया बच्चों? Yes sir. तो इसको copy कर लो. Sir, it must satisfy circle also because वो 90 degree है ना तो वो diameter हो जाता है। हाँ अरे normal मतलब वही होता है ना अगर एक line circle को normal है इसका मतलब है diameter। हाँ ठीक है। वो center हो से पास हो गई होगा। तो circle में इसलिए तो अपन ने कभी normal को पढ़ा ही नहीं because जैसे normal बोलते हैं मैं पता है it passes through center तो that information was always ample to solve any question। ठीक है? तो इसको copy कर लो और आज के लिए इतना काफी है। तो अभी आप लोग कितना अटेम्प्ट कर रहे हो बताओ कितना अटेम्प्ट करके लाओगे सर वन है पूरा वन है तो हो गया होगा यार अब तक आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग नहीं नहीं वन है हो गया होगा वन है वन भी करके लाओ वन है एंड वन भी आई थिंक थोड़े कम ही क्वेश्चन है एक सेकंड चेक कर लेता हूं मैं मुझे नहीं लगता कि वन भी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं अब थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग वन है वन भी तो निपटा ही लोगे कितने क्वेश्चन है वन भी में इसका 2A बहुत ब्रूटल टाइप का है 1B में 47 है विच इज लाइक प्रीटी मच लाइक 1A ओनली तो मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब तुम 1A 1B दोनों कंप्लीट करके लाओगे नेक्स्ट जब भी लेक्चर मिलेगा ठीक है 1B कर लो स्टार्टिंग के क्वेश्चन 1A जैसे ही है कि फाइंड द वही फोकस डायरेक्ट्रिक्स जैसे क्वेश्चन है स्टार्टिंग के तो ट्राई करके लाओ ठीक है 1A 1B ट्राई करके लाओ बाय सर थैंक यू डाउट देखते हैं कब हो सकता है अपन जब भी होता है अपन डिस्कस करते हैं ठीक है बट 1A 1B मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर अगली क्लास डाउट्स रख लो ना नेक्स्ट क्लास डाउट्स देखता हूं चलो मतलब व्हाट वी कैन डू तो 1A 1B मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग इतना करके लाओगे ठीक है बाय सर थैंक यू चलो थैंक यू सर बाय सर पैराबोला के बाद चैप्टर कौन सा होगा एलिप्स और फिर हाइपरबोला की हाइपरबोला छोड़ हाइपरबोला बाद में एलिप्स के तो अभी मतलब इसके बाद दो कॉनिक बाकी है कॉनिक में ये भी तो आता है हाँ हाँ तो इसके बाद दो और बचे ना हाँ बस दो और हाँ वो छोटे ही हैं इससे तो छोटे ही हैं चलो बाय 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 सर